तो मेरे दोस्तों हमारा भी एक वीजा बनता है कि उनकी अरदास के लिए, उनकी कुर्बानी की अरदास के लिए, इस तारीख को याद करने के लिए आज इस प्रोग्राम में शरीक हो। ये प्रोग्राम आज की इस तारीख को हमको ये तारीख ऐसे नहीं मिलेगी, हमको ये तारीख घरों पर बैठ कर नहीं मिलेगी, या हमको ये तारीख कहीं सड़कों पर खड़े होकर नहीं मिलेगी, हमको ये तारीख ग्रंथ याद में नहीं मिलेगी, बल्कि हम इस तारीख को अगर याद करना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर दिलचस्पी है कि हमारा हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो कौन सी तारीख को हुआ था, कौन से सन को हुआ था, किन किन उलमा ने इसके लिए अपनी कदरें कटवाई थी, किन किन उलमा ने इसको आजाद बनाने के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई थी, अपनी पुश्तों पर तलवारें खाई थी, अपने दिलों में तीर खाए थे। अगर हमको ये याद रखना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर इसकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी होगी तो मेरे दोस्तों हम घरों से निकल कर अपने मदरसे के अंदर जरूर तशरीफ लाएंगे। तो मेरे दोस्तों चले आए, जल्दी से चले आए, अब कुछ ही पल में हमारे दरमियान प्रधान जी भी तशरीफ लाने वाले हैं, जो हमारे इस आधार झंडा लहराएंगे। तो मैं सभी हजरात से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने कामों को आगे पीछे करकर, क्योंकि वक्त भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, 9 बज चुके हैं और हमको प्रोग्राम 11 बजे से बैठना भी है। तो मेरे साथियों, मेरे अजीजों, जितनी भी जल्दी हो सके अपने कामों